हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो ये हमारी स्कूल सीरीज और इसके लास्ट वाले एपिसोड में हमने रॉकी और उसके पापा से बहुत भारी बदला लिया था भाई। मतलब मैंने रॉकी को फाइट में भी हराया और टॉम सर ने रॉकी के पापा को अरेस्ट भी करवा दिया था भाई। और गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग अपना स्कूल बनवाने वाले हैं और उस स्कूल का काम अभी चल रहा है। एंड गेस व्हाट गाइस, वो स्कूल कम्प्लीट हो चुका है। तो चलो फिर वो देखते हैं और हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो शिनचैन तू तैयार है हमारे स्कूल को देखने के लिए? अरिन भाई, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कब हमारा स्कूल बनेगा। फाइनली आज वो दिन आ गया है। मुझे आप अच्छे से विजिट करवाना, ठीक है? आखिरकार वो तो हमारे टॉम सर का ही स्कूल है। आई मीन यस भाई, है तो वो टॉम सर का स्कूल लेकिन वो अपना स्कूल भी है। चला आजा फिर। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला था हमारा स्कूल, आपको याद होगा पुराना। लेकिन आपको एक चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगी कि हमने हमारा नया स्कूल उस पुराने स्कूल के जस्ट सामने बना दिया है। तो अगर आपको याद होगा तो ये था रॉकी लोग का स्कूल जो कि अभी भी है, और ये है हमारा नया स्कूल जो कि उतना ही बड़ा और उनके सामने ही है। और गाइस, हमने उनसे बहुत बेटर स्कूल बनवाया है। अरिन भाई, अब तो अपने स्कूल दिखा दो, कितने महीने पहले से काम चल रहा है, फाइनली वो दिन आ गया है। ऑल राइट फिर आजा। गाइज, हमारा स्कूल अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि काफी बड़े एरिया में बना है। लेट्स गो। गाइज, ये हमारा स्कूल, अभी तो ये स्टार्ट हुआ नहीं है और ये कल से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ के प्रिंसिपल ऑब्वियसली टॉम सर ही होंगे। पर वेल, आजा शिनचैन, मैं तुझे अच्छे से सैर कराता हूँ। अरिन भाई, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। भाई अभी से ही बड़ा लग रहा है, अभी तो तूने देखा भी नहीं है। गाइज, ये एक्चुअली में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल है हमारे सिटी का। गाइज, यहाँ पे काफी सारी क्लासरूम्स भी है। अगर आप देखो तो ये हुई पहली क्लास, ये हुई दूसरी क्लास, और इस स्कूल में इनबिल्ट जिम भी है भाई। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट भी है और एक और क्लासरूम। गाइज, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कल से हमारा स्कूल जैसे स्टार्ट होना भाई, मैं फटाफट आके देखूंगा कि मेरी क्लास कहाँ पर है और क्या चल रहा है। अरिन भाई, वहाँ पे एक और गेट दिख रहा है, क्या ये बहुत बड़ा है क्या? अरे भाई, अभी तू यहाँ पे तो विजिट कर ले, इसके आगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कूल है, लेकिन अभी यहाँ पर भी काफी कुछ बचा हुआ है। गाइज, उसके बाद यहाँ पे एक और क्लासरूम है, ये मतलब काफी बड़ा स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। गाइज, ऑलराइट शिनचैन, अब तू यहाँ पर चल के दिखा। गाइज, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे स्कूल को सबसे डिफरेंट बनाता है। लेट्स गो। ऑलराइट, अब अंदर आ गए। ये देखो, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा ना मीटिंग रूम है, बोर्ड मीटिंग रूम है। वो वाला मीटिंग रूम कहाँ है मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। बट फिलहाल ये देखो, यहाँ की क्लासेस काफी डिफरेंट है। और मैं आपको टॉम सर का कैबिन दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। उनका कैबिन काफी डिफरेंट बनाया गया है। ये देखो गाइस, हमारा जो पिछला स्कूल था वो कितना छोटा था, और यहाँ पे देखो तो ये हमारे टॉम सर का कैबिन। और गाइस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने खुद भी बैठ के देखा, ये बहुत कम्फर्टेबल चेयर है। ऑलराइट गाइस, ये देखो, ये रहा वो बड़ा सा रूम। यहाँ पे ना फंक्शन होने वाले हैं, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया या फिर स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो होने वाला है। और गाइज, ये है एक बहुत ही बड़ी क्लासरूम। ये देखो, यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। और फिर यहाँ पे एक और बड़ी क्लासरूम, और ये वाली है फाइनल क्लासरूम, मतलब ये हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स की क्लासरूम है, मतलब मेरी क्लासरूम है गाइज। और यहाँ से बाहर आता है हमारा कैंटीन, वो भी दिखाता हूँ मैं। लेट्स गो। ओके, अंदर चलते हैं। गाइज, ये रहा हमारा कैंटीन, और यहाँ पे देखे तो काफी कुछ है। और खाने के लिए भाई प्रॉपर यहाँ पे बर्गर, हॉट डॉग है, कोल्ड ड्रिंक है। उसके बाद अगर किसी को ज्यादा ही भूख है तो यहाँ पे आके मस्त आइसक्रीम भी खा सकता है। तो गाइज, ये तो रहा हमारा कैंटीन, लेकिन अभी भी हमारा ये स्कूल ना खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। गाइज, ये देखो, अगर अपन स्कूल से बाहर आएंगे ना तो स्कूल के ऊपर जाके एक एक्चुअली में बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आगे जिस भी बच्चे को साइकिल वाइकल चलाना बहुत पसंद है वो आगे यहाँ पे मस्ती कर सकता है। और इन जनरल अपन ना वो सामने वाले स्कूल को ना देख सकते हैं भाई। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि फेंस क्यों लगा हुआ है। गाइज, हो सकता है कि सामने वाले स्कूल और हमारे स्कूल की कभी लड़ाई हो जाए और एक दूसरे को पत्थर फेंक कर मारने लगे, तो भाई हम लोग उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन बनवा दिए कि अगर वो लोग कुछ फेंकते भी है तो भी हम लोग बच जाएंगे। एंड आई होप गाइस कि सामने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स और हमारे बीच ज्यादा लड़ाइयाँ ना हो यार। वेल, ये तो था हमारा स्कूल टूर। अगर आपको हमारा स्कूल पसंद आया गाइस, और अगर आप भी चाहते हो ऐसा स्कूल हो तो मुझे सब्सक्राइब करके बताओ। बाकी गाइस, कल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। मैं तो आज से यूनिफॉर्म पहन लिया हूँ गाइस, क्योंकि मैं इतने दिनों से गर्मी की छुट्टी मना रहा था। चलो फिर फिलहाल तो घर चलते हैं, वैसे भी आज तो टॉम सर भी होंगे घर पे। वेल फाइनली गाइस, अपन घर तो पहुंच गए। एंड आई होप कि टॉम सर भी घर पर ही हो, क्योंकि आजकल स्कूल के काम को लेकर सर बहुत बिजी रहते हैं। लेट्स सी कि क्या वो घर पर है क्या। ओके गाइस, उनकी कार खड़ी है, इसका मतलब वो घर पे है। भाई कल से स्कूल स्टार्ट है गाइस, और ज्यादा देर बचा नहीं है, फटाफट मुझे तैयारी भी करना है और फिर मैं जल्दी से सोऊंगा। भाई शिनचैन तू भी आ जल्दी से। ऑलराइट गाइस, भाई सर तो यहीं पर है, एक मिनट। भाई चॉप एंड स्नॉप को इंट्रोड्यूस करा दिया गया क्या? व्हाट? ऑलराइट, हां ये रहे।
ऑलराइट, हाय टॉम सर, कैसे हो आप? अरे आर्यन, कैसे हो तुम? देखा नया स्कूल को, कैसा लग रहा है? अरे नया स्कूल तो बढ़िया लग रहा है। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। डिचकिया जी, हम तो सोच रहा था कि क्या डाकिया का भी स्कूल बना ना जी, हम का भी बात मान करता है जी, अच्छा अच्छा चीज सीखने का जी। अरे भाई ठीक है यार, डॉगियों का स्कूल भाई ये तो बहुत मुश्किल है यार। अरे हाँ टॉम सर, आपसे एक बात पूछनी थी। आर्यन बोलो। सर मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि हमने रॉकी वाले स्कूल के जस्ट सामने अपना स्कूल बनाया है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? हो सकता है कभी वो लोग कुछ कर दे, या फिर मतलब बहुत ज्यादा मेरे को तो कभी कभी डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, वैसे भी हमने उन रॉकी और उसके पापा को काफी अच्छा सबक सिखाया है। अगर अभी भी उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती है और वो फिर भी हमारे से आगे लगते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, हमें डटकर उनका सामना करना पड़ेगा। और तुम उससे ज्यादा डरो मत, जो भी होगा हम देखेंगे, ठीक है? हाँ सर, बात तो आपकी सही है। चलो फिर कल से तुम्हारा स्कूल आ जाओ, सब तैयारी कर लो और कल सुबह सुबह निकलना है, ठीक है ना? मैं पहले से ही स्कूल में रहूंगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा काम है, तो तुम आ जाना, ठीक है? हाँ ऑल राइट सर, ऑल राइट। द नेक्स्ट डे, ऑल राइट गाइस, अपन स्कूल पहुंचने वाले हैं और मैं कितना एक्साइटेड था भाई आज के लिए फाइनली। भाई ये तो रॉकी है भाई, ये एंट्रेंस पे क्या कर रहा है? अगर ये मेरे को रोका ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे देखो तो कौन आया है। हाय आर्यन, कैसे हो तुम? सब बढ़िया, क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया भाई, बढ़िया। तू बता कैसा है? अरे मैं भी बढ़िया यार, बढ़िया, सब बढ़िया। मैंने देखा कि तुम लोगों ने अपना नया स्कूल खोल दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वहाँ का प्रिंसिपल तो बिल्कुल टॉम सर ही होगा, है ना? यस टॉम सर ही है वहाँ का प्रिंसिपल। बट क्यों, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल बढ़िया प्रिंसिपल है। तुम्हारे स्कूल के लिए सबसे बढ़िया प्रिंसिपल और कोई नहीं, टॉम सर ही हो सकता है। और तुम्हारे स्कूल का हेड बॉय तो तुम ही होगा, क्यों? हाँ मेरे स्कूल का हेड बॉय भी मैं ही हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। वेट अ मिनट गाइस, आपको ऐसा ही लग रहा है कि रॉकी के तेवर थोड़े बदले हुए? आई मीन मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, ये इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलो मैं इसको साइड बोल के देखता हूँ। भाई रॉकी थोड़ा सा साइड हो जाए यार, मेरे को ना अंदर जाना है, थोड़ा टाइम हो गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, जाओ भाई जाओ। अरे वेट अ मिनट गाइस, कुछ तो दिक्कत है आज। मतलब भाई मैं आपको सच बताऊं, कुछ ना कुछ तो लोचा है। गाइस रॉकी ऐसे नहीं बात करता है मेरे से, वो हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा गुस्सा दिखाता है। और गाइस गुस्सा तो छोड़ो, वो हमेशा ना कुछ करके मुझे ना दुख पहुंचाता रहता है, मेरा नुकसान करता रहता है। बट आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भाई रॉकी ने इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुली मुझसे वो किया। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ बढ़िया हो रहा होगा। गाइस मुझे तो लगता है अपन ने इसको जो पिछले बार अच्छे खासे मार पड़ा है ना, उस मार के कारण इसका ना बिल्कुल बुद्धि सुधर गया है। तो चलो अच्छी बात है, अब अपन अपने क्लास पे चलते हैं भाई। ऑल राइट लेट्स गो गाइस, अंदर चलते। ऑल राइट मैं अंदर तो आ गया। वेट अ मिनट गाइस, शिट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे असेंबली हो रही है, आवाज आ रही है असेंबली की। वेट अ मिनट गाइस, असेंबली कहाँ पर हो रही है? भाई 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 नहीं नहीं नहीं, अगर मैं असेंबली में लेट पहुंचा तो बहुत दिक्कत होगी यार, यहीं कहीं तो होनी चाहिए। ऑल राइट यहीं से आवाज आ रही है गाइस, यहीं से। ओ माय गॉड, यही असेंबली। ऑल राइट गाइस मैं चलो ठीक टाइम पे हूँ। सुनते हैं भाई, टॉम सर वहाँ पे खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं आखिर? हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का नए स्कूल में स्वागत है। मैं आप लोगों को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे हेड बॉय से, आर्यन। यहाँ पर आओ। अरे ओ माय गॉड गाइस, सबसे पहले मुझे बुला लिया गया क्या? ऑल राइट गाइस चलो चलते हैं। हाय हाय हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो इनसे मिलो, ये हमारे स्कूल के हेड बॉय आर्यन। देखो आज तो आर्यन हमारा हेड बॉय होके काफी लेट पहुंचा इसको। ओह शिट, ऐसा हुआ क्या? गाइस लगता है मैंने काफी सारे असेंबली मिस कर दी है, ये बिल्कुल एंड है लगता है। तो जो भी नोटिस इन्फॉर्मेशन होगा वो ये आर्यन आके सबको सर्कुलेट कर देगा, ठीक है? आई होप आपका स्कूल में आज का दिन बहुत बढ़िया जाए। चलो असेंबली इज डिसमिस्ड, थैंक यू। ओ भाई असेंबली खत्म भी होगी, लगता है मैं एकदम एंड पे आया था। चलो कोई ना, अभी क्लास में चलते हैं। ऑलराइट गाइस अभी फिलहाल अपन अपने क्लास पे चलते हैं, क्योंकि गाइस अगर देखा जाए तो ओके भाई सारी क्लास भर गई है। मैं बोल रहा था कि देखा जाए तो कोई क्लास में नहीं आया है। व्हाट भाई एक ही चेयर बची है, अच्छा मेरे लिए ही है। ऑलराइट गाइस अभी तक सर आए नहीं है इसलिए सब बढ़िया है। मैं पधार रहा हूँ, वेलकम करो। गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ रॉयल राहुल, मैं हूँ तुम्हारा टीचर। तुम सब मुझे प्यार से रॉयल राहुल सर बुलाओगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट देता हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं एक शिप का कैप्टन बनूँ, मैं बन नहीं पाया तो तुम्हारे क्लास का कैप्टन बन गया हूँ, ठीक है? व्हाट भाई ये वाले सर कब आए? गाइस जब टॉम सर सारे टीचर्स की जॉब दे रहे थे ना तब मैं भी था, मैंने तो इन्हें नहीं देखा था भाई। आज मैं पढ़ाएगा कि खाना कैसे पचता है। किसी को पता है कैसे पचता है? पता है, मैं बताता हूँ। ऐसे पचता है जैसे आग में लकड़ी डाल दो तो लकड़ी जल जाती है।
वैसे ही अगर पेट में खाना डाल दो तो खाना पच जाता है। कैसा लग रहा है रॉयल राहुल सर का कंसेप्ट? बढ़िया है ना? गाइस सिर्फ मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको भी नहीं आ रहा है? यस डैडी, बिल्कुल बिल्कुल डैडी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए डैडी। मैंने उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया है कि हम लोग उसके खिलाफ है। वो तो सोच रहा है कि मैं उसका दोस्त है। डैडी कैसे भी खड़ के मैं उसके स्कूल में एडमिशन ले लेगा। आखिर मुझे पता है कि वो लोग मुझे अगर अच्छे से नहीं रहूं तो लेने नहीं देगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कैसे भी खड़ के उसे दोस्ती करेगा और फिर उसके स्कूल में एडमिशन लेगा। डैडी मैं आपका, मेरा, मेरे दोस्तों का और स्कूल का सबका बदला लेगा। तेरा रॉकी सबका बदला लेगा डैडी। बस कैसे भी खड़ के मैं उसके स्कूल में घुस जाऊँ। ठीक है डैडी, एक बार मैं उसके स्कूल में घुस गया फिर मैं उससे सारा बदला लेगा, क्योंकि मेरे घुसने के बाद मेरे दोस्त चिंटू मिंटू भी घुस जाएगा। वो लोग दूसरे वाला स्कूल से था। फिर हम सारा धीरे धीरे करके हमारे गैंग को एडमिशन कराएगा। फिर वहाँ पे हमारे लोग ज्यादा हो जाएगा, फिर हमारा बोलबाला होगा, फिर हम लोग उस आर्यन से बदला लेगा। बदला बदला लिए बिना रॉकी को ठंडकता नहीं मिलता है। अरे रॉकी, मैंने सुना कि अब तुम्हारा स्कूल नहीं चल रहा है। जब से सामने नया स्कूल बना है तब से तुम्हारा स्कूल चलना बंद हो गया। अरे वो तो यार मैं क्या बोलूं, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी कुछ चीजें चलता है, कुछ चीजें नहीं चलता है। पर तुम लोग तो अभी भी हमारे स्कूल का ही लोग है ना, कि तुमने भी बदल लिया है? हम लोग सोच रहे बदल ले, क्योंकि तुम्हारा स्कूल बहुत ही बेकार हो रहा है। धीरे धीरे बिल्कुल भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हम सामने वाले स्कूल में जा रहा है, वो बहुत बढ़िया सुना है हमने। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। अभी मैं बिल्कुल भी किसी बदतमीजी नहीं करेगा, सबके साथ बिल्कुल अच्छे से रहेगा। और मैं खुद ही सामने वाले स्कूल में जा रहा है, तो अभी मेरा स्कूल का क्या होगा मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक बार मैं उसके स्कूल में जाऊंगा, उसके स्कूल का पूरा बदनाम ही कर दूंगा, और फिर उसके स्कूल से निकल के अपने स्कूल में आऊंगा। फिर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में आ जाएगा और फिर आर्यन और उस टॉम सर को दोनों को अच्छा मजा आएगा। यस ऑलराइट गाइस, क्लास तो खत्म हुई भाई, मैं फटाफट वॉशरूम चलता हूँ। यार इतना देर हो गया, मुझे लगा कि सर अब क्लास खत्म करेंगे तब करेंगे, हो ही नहीं रही थी भाई क्लास, अब हुई है। यार वॉशरूम कहाँ पे था मैं यही भूल गया। हाँ याद आ गया भाई, इतना बड़ा स्कूल है ना और नया तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता हूँ भाई मैं। ऑलराइट भाई, यहाँ पे दो डोर है क्या? अच्छा गाइस ये वाले वॉशरूम पे चल के देखते हैं अपन। हाँ ऑलराइट ओके गाइस, अपने स्कूल का भी वॉशरूम तो वैसा ही है जैसा पिछले स्कूल का था, आई मीन उससे तो बेटर ही यार। एक मिनट रुको गाइस, इस दीवार के जस्ट पीछे से ना मार धाड़ की आवाज आ रही है यार। ये देखो पंच की आवाज आई। वेट अ मिनट भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? रुको तो चल के देखते हैं। गाइस स्कूल में लड़ाई झगड़ा ना जमता नहीं है भाई। ओ वो वेट, ओ भाई, ओ हेलो, अरे ओ हेलो हेलो भाई। अरे गाइस क्या चल रहा है भाई? रुक जाओ मेरे भाई, एक मिनट व्हाट? चिंटू एंड मिंटू, भाई तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओए तो पैसे मिल गया ना, और हम तो बस तेरे स्कूल को विजिट करने आए थे। हम देख रहे थे कैसा बना है, और घूमते घूमते बाथरूम लग गई तो हम बाथरूम में आ गए समझा, और उसी समय ये ज्यादा बात कर रहा था तो इसे थोड़ा सबक सिखा रहे थे। अरे मिंटू मियां, आप भी क्या बोल रहे हो, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे सच बताऊं ना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, और मैं तुझे सॉरी बोलना चाहता हूं कि हम तेरे स्कूल में आके ऐसी बेकार हरकत कर रहे थे। ओए माफ कर दे। माफ कर दूं? सॉरी व्हाट गाइस? एक मिनट, मिंटू के मुंह से सॉरी? हाँ चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट आगे से ऐसा मत करना यार, वरना हम लोग तुमको बैन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और माफ करना, और ऐसा मत कर देना। हाँ ऐसा तो नहीं करेंगे, आई मीन ठीक है, तुम लोग अपना काम जारी रखो। गाइस क्या चल रहा है यार, चिंटू मिंटू मेरे स्कूल में कहाँ से आ गए? और गाइस ये लोग का बिल्कुल तेवर बदला हुआ है। गाइस मुझे तो बहुत शक हो रहा है, आज स्कूल का पहला दिन था, अभी खत्म भी नहीं हुआ है और बहुत अजीब अजीब चीजें हुई है। एक तो सुबह ही रॉकी का जो मेरे प्रति वो था ना स्वभाव, उससे ही मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूँ भाई, वो इतना अच्छा कैसे बन सकता है। उसके बाद गाइस चिंटू मिंटू, भाई मैं तो बहुत डाउट में आ गया हूँ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑलराइट भाई फाइनली छुट्टी हो गई और शाम भी हो गया। गाइस आज हम लोग शिनचैन चॉपर में बहुत ही क्रेजी प्लान करके रखे है ना शाम के लिए। वेट अ मिनट भाई, मेरी बाइक गिरी हुई कैसे? गाइस मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करी थी और वो भी खड़ी हुई थी, ये गिर कैसे गई है? और वेट अ मिनट, इससे धुआं भी निकल रहा है। यार क्या दिक्कत है, ये तो पहले होता था और पहले तो गाइस रॉकी करता था, और आज तो रॉकी ने अच्छे से बात करी है। गाइस कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं थी? वेट अ मिनट, गाड़ी ऑन हो रही है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार उतरो उतरो उतरो, शिट यार इसका तो पेट्रोल लीक कर रहा है। व्हाट? और धुआं भी निकल रहा है। नहीं गाइस
ऐसे में तो ये फूट भी सकती है यार, इसे चलाना तो बहुत रिस्की होगा। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इस बाइक से दूर रहते हैं, इस बाइक को ना किसी को बुला के भाई अपने को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा यार, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। चलो गाइस लगता है आज पैदल पैदल चल के जाना पड़ेगा। ऑल राइट, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते यार। मैं पहले ना सोचा था कि टॉम सर को कॉल करके बुला लूं, लेकिन गाइस टॉम सर इतने बिजी रहते हैं कि उनको कैसे बुलाऊंगा मैं। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी बाइक को खराब ऐसे कर कौन सकता है यार, क्योंकि गाइस देखो वहां पे ज्यादा लोग आ नहीं सकते, सिर्फ सामने वाले स्कूल के आ सकते हैं और हमारे स्कूल के आ सकते हैं। वेट अ मिनट गाइस, आज हमारे स्कूल में चिंटू मिंटू भी आए थे, तो हो सकता है रॉकी या चिंटू मिंटू में से किसी ने किया हो। हाय, हेलो हेलो। अरे भाई हॉर्न कौन मार रहा है? अरे आर्यन मेरे परम दोस्त। अरे भाई कैसे हो यार तुम, ऐसे अकेले अकेले पैदल पैदल कहाँ जा रहा है? अरे भाई क्या बताऊँ यार, मेरी ना बाइक ही खराब हो गई है। वैसे तू यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारा स्कूल तो एक घंटे पहले ही खत्म हो जाता है ना। अरे हम लोग तो ऐसे ही पीछे खड़े होके बात कर रहा था, मैं जाते जाते देखा कि तू पैदल जा रहा है, मैं भी तेरे घर के पास से ही निकल रहा है, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ यार, कहाँ पैदल पैदल जाएगा। नहीं यार रॉकी, मतलब थैंक यू पूछने के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेले चला जाऊंगा, क्योंकि भाई कैसा है ना कि मुझे कुछ कुछ और भी काम है, तो थैंक यू पर मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है ना। अरे एक मिनट भाई, तू चिंता क्यों कर रहा? तुझे लगता है कि मेरी कुछ चाल होगा? तुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर देगा तेरे साथ? अरे बट ना, अभी रॉकी बदल गया है, मैं तेरे साथ कोई दिक्कत कोई गलती होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, जब तक मैं तेरे साथ है तब तक डरने की कोई नहीं बात है, ठीक है मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा। यार तू इतना फोर्स कर रहा है तो चल ठीक है मैं बैठता हूँ भाई, लेकिन चुपचाप पक्का एकदम घर छोड़ेगा ना, इधर उधर कुछ नहीं करेगा ना। अरे नाय तू चिंता क्यों करता है, तू तो मेरे भाई जैसा यार, चिंता मत कर, चला जा बैठ जा अपनी ही गाड़ी समान। ऑल राइट वेल रॉकी, एक सच बताऊँ, मैंने तेरे को जितना बुरा समझा था ना, तू उतना बुरा भी नहीं है। अरे खोई ना यार खोई ना, ये सब तो होता रहता है। चलो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, आ जा। हाय वो लाइक थोड़ा घर आ गया, जो कि थोड़ा टॉम सर और थोड़ा घर आ गया। चल ये लाइक अब मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दे चलता हूँ, ठीक है मुझे थोड़ा काम है यार। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल यार, थैंक यू, मैं तेरे से मिलता हूँ, ठीक है ना, बाय। बाय बाय चूजे बाय। टॉम सर के कारण इसका पूरा रोल बदल गया है, उनके घर में रहता है, उनकी गाड़ी चलाता है। मतलब पहले जब नया नया आया था हमारे स्कूल में तो एक गांव का गरीब लड़का था, चूजा खाई का। लेकिन ठीक है अभी तो हमारा प्लान है, मेरे पापा ने जैसा कहा वैसा कर रहा है मैं, नहीं तो इस टाइप के चूजे लोग को मेरी इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। बेकार आदमी खाएगा, चूजा खाएगा। यार अचानक से रॉकी काफी अच्छा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि रॉकी इतना अच्छा हो सकता है गाइस। अरे वेट अ मिनट, मेरा स्कूल बैग। अरे यार मेरा स्कूल बैग उसके बैग में रह गया और उसका नंबर मेरे पास है नहीं भाई, अब क्या करूंगा गाइस। अच्छा चलो ठीक है, कल मैं जब स्कूल जाऊंगा ना सुबह सुबह तो उसका स्कूल तो सामने ही है, मैं उससे मिलके बात करके ले लूंगा उससे बैग। लेकिन मैं अभी तक ये सोच नहीं पाया कि रॉकी इतना अच्छा कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ना रॉकी अब मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो अगर रॉकी मुझसे दोस्ती कर रहा है तो भाई मुझे भी उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर सामने से कोई हाथ बढ़ा रहा है तो फिर अपन क्यों पीछे रहे। चलो सही है, फिलहाल आज का पहला दिन स्कूल का बढ़िया रहा भाई, अब तो मैं बढ़िया जाके लेट के सोने वाला हूँ भाई। चलो मैंने तो अपना काम कर दिया है, चिंटू मिंटू से पूछता है कि उन्होंने अपना काम किया या नहीं किया। अरे ये रहा उनका घर, ये रहा चिंटू मिंटू, एक बार बताओ तुम दोनों ने अपना काम अच्छे से किया या नहीं किया, आज स्कूल गए थे ना तुम, कैसा उसका स्कूल? ओए रॉकी, ओए उसका स्कूल तो बहुत बढ़िया है, ओए उसका स्कूल के सामने हमारा स्कूल कुछ भी नहीं है। रॉकी मियां उन लोगों ने बहुत खर्चा करके स्कूल बनाया है, बहुत बढ़िया है। अरे वो तो मैं भी जानता है, लेकिन तुम लोग ने एक बात का ध्यान तो रखा ना, उससे लड़ाई करने का कोशिश तो नहीं किया ना, उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है, उसके सामने अपना इमेज बिल्कुल ऐसा बनाकर रखना है जैसा कि हम लोग जेंटलमैन है, बिल्कुल अच्छा इमेज बनाना है, ठीक है ना। और तो उसकी चिंता मत कर, और उस नीले बालक के सामने हम बहुत अच्छे से रहेंगे, और एक बार उसके स्कूल में एडमिशन पा गए ना, और फिर तो कोई निकाल नहीं सकता है। वही तो मियां, उनके स्कूल का रूल है, एक बार एडमिशन लो फिर नहीं निकल सकते हो। वही तो मेरा प्लान है, एक बार एडमिशन लेंगे फिर इसको बताएंगे हम लोग। ऑल राइट भाई आ जाओ अंदर, अब कितना देर वेट करोगे? ओके अरिन भाई तो मजे कर रहे हैं। अरिन भाई और आपने बताया नहीं स्कूल के पहले दिन कैसे रहे? बढ़िया रहा भाई बढ़िया रहा। ऑल राइट गाइज, ये तो था हमारा आज का एपिसोड, अगर आप इसके आगे देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और अगर अच्छे खासे कमेंट रहे तो अपन इसके आगे देखेंगे। बाकी आज की वीडियो में तो इतना ही था, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।